नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में कुछ संगठन हैं जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। दरअसल इन लोगों ने अपने संगठन की चर्चा राष्ट्रवादी के रूप में किए हुए हैं। इनका कहना है कि इनका जो संगठन है वो राष्ट्रवादी है और इनमें जुड़े हुए लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। ये लोग आपको अक्सर सड़कों पर या फिर रैलियों में जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए मिल जाते हैं। दरअसल इन संगठनों ने भले ही अपने आप को राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त बताया हो, लेकिन हाल ही में इन पर बड़ा खुलासा हुआ है और इन्हें आतंकी संगठन बताया गया है। खैर, इन संगठनों पर चर्चा थोड़ी देर में करते हैं, पहले इस मोहतरमा का एक वीडियो देख लीजिए। कोई हमें राम भक्त बोल सकता है, कोई हमें अंधभक्त भी बोल सकता है, लेकिन कोई हमें आतंकवाद नहीं बोल सकता, ना तो हमारा रक्त खराब है। लेकिन मैडम ने एक शब्द छोड़ दिए, राम भक्त, अंधभक्त और गोबर, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इन लोगों को गोबर भक्त भी बोल देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ना ही हमारा वक्त खराब है, जय श्री राम। तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोभी है। लेकिन एक सेकंड। दरअसल अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी CIA ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को धार्मिक आतंकी संगठन बताया है। साले तू, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है नहीं, तो जरा से यह वीडियो देख लीजिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हिंदुवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। आतंकी विश्व हिंदू परिषद की चर्चा राम मंदिर के लिए होती है तो बजरंग दल का नाम लोग हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और रक्षा के लिए आने वाली खबरों को लेकर ज्यादा सुनते हैं। उत्पाद मचाने के लिए भी इनका नाम आता है। इस समय ये दोनों इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इन्हें धार्मिक आतंकी संगठन बताया है। अब CIA है क्या, इस CIA के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि CIA का पूरा नाम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जो अलग अलग देशों में खुफिया तरीके से काम करती है। सर मैं आपको बता दूं कि CIA की जो भी रिपोर्ट आती है उसमें जो भी जानकारियां होती है 99% सच होती है, सच साबित भी है। दरअसल ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इस खुफिया एजेंसी CIA ने सिर्फ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को ही अपनी रिपोर्ट में छापा है, बल्कि भारत के और भी संगठन के बारे में बताया है, जैसे मुस्लिम संगठन के बारे में, उनके बारे में क्या कहा है ये भी जान लो। उसने महमूद मदनी की जो जमीयत उलेमाए हिंद संगठन है उनको बताया कि भले ये राजनीति में ना आए लेकिन राजनीति दबाव इनका रहता है, और उसने उलेमाए हिंद को एक धार्मिक संगठन बताया है। बाकी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को क्या बताया है तो आप अच्छी तरह जान ही गए। और हाँ, ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में अपनी रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया हो, बल्कि भारत के भी कुछ बड़े नेता, गृह मंत्री से लेकर कुछ अन्य नेता भी इस बात का दावा करते हैं कि कुछ आतंकी गतिविधियों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS का हाथ होता है। अब इन बड़े नेताओं का नाम क्या है, जैसे कि कांग्रेस के बड़े नेता रहे दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि कुछ पकड़े गए आतंकी RSS से जुड़े हुए मिले थे। और केवल दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि गृह मंत्री रहे सुशील कुमार सिंधे ने भी कहा था भाजपा और RSS के लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और यही नहीं बल्कि गृह सचिव रहे आरके सिंह ने भी इस बात का दावा किया था कि कुछ आतंकी गतिविधियों में RSS के लोग पूरी तरह से शामिल रहे। उन्होंने 10 नाम भी सुनाया और वो नाम क्या थे, पहला नाम आता है लोकेश शर्मा, यह RSS का नगर कार्यवाहक कभी हुआ करता था। ठीक, यह समझौता एक्सप्रेस कांड और मक्का मस्जिद ब्लास्ट में शामिल था, खैर अब यह गिरफ्तार हो चुका है। और दूसरा नाम आता है स्वामी असमानंद, जो 90 के दशक में RSS की शाखा वनवासी कल्याण परिषद से जुड़ा हुआ था, यह जो है अजमेर धमाकों में शामिल था, जो अब गिरफ्तार किया जा चुका है ये भी। इसी तरह नाम आते हैं राजेंद्र उर्फ समुंदर, मुकेश वासानी गोधरा कांड में शामिल था, देवेंद्र गुप्ता, काल संगरा, ये जितने भी लोग हैं ये बम ब्लास्ट किए हुए हैं और ये हजारों हजारों बेगुनाहों की जान लिए।
ये सभी आरएसएस से जुड़े हुए लोग। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर अमेरिका की सीआईए खुफिया एजेंसी ने अगर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में इस तरह का कोई खबर छापी है तो भाई कुछ तो सच्चाई होगी। खैर, इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।